दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में आपको याद होगा यहाँ पर जो कंडक्टर भर्ती जो आई थी उसका जो है इंटरव्यू की डेट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 और 5 अप्रैल को जो है बुलाया गया है। इनके एक भाई ने कमेंट किया था यहाँ पर जो है ये कि प्रयागराज का इंटरव्यू सर जो है वो लेटर आ गया है 4 या 5 अप्रैल को, इसमें जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये बात कर रहे हैं इसमें कंडक्टर भर्ती की, मेल पर सारे लेटर आ रहे हैं है ना, और किसी के तो पर्सनली आ रहे थे। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, साथ में इसके अंदर एडिट कॉलेज के अंदर चपरासी भर्ती जो निकाली गई थी उसकी मेरिट लिस्ट भी आउट हो चुकी है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा अभी। तो उससे जो है पहले यहाँ पर जो कल रात का मतलब वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है ये जब मैंने इसके बारे में बताया था, सफाई कर्मचारी, कुक है, वाटर है, वाटर कैरियर, मोची है, माली है, टेलर है, ये सब वैकेंसी निकाली जाएगी। ग्रुप डी की तो वैकेंसी होती है, आप सभी जानते हैं 420 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लड़के कह रहे हैं पता नहीं फेक न्यूज़ है, ऐसा इस चैनल के माध्यम से फेक नहीं दिया था। ये जो वैकेंसी निकाली गई उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती जो निकाली गई। यहाँ पर जो इसका विज्ञापन बहुत जल्द इसमें आने वाला है, यहाँ पर देख ली SSC की तरफ से जो MTS की वैकेंसी यहाँ पर जो आ चुकी है। MTS आप सभी जानते हैं ग्रुप डी की नौकरी होती है। कुल मिला के यहाँ पर जो है ये यहाँ पे देख लीजिए कुल मिला के 840 पदों पर वैकेंसी है। ये केवल आपकी जो है जनरल की है ये, और ये आपकी जो है ये पूरी वैकेंसी 840 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। साथ में आपको याद होगा यहाँ पर कल और परसों का अखबार में यहाँ पर दे रखा था, यहाँ पर प्रदेश के अंतर्गत है ना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जल्दी हैं हम जो आउटसोर्सिंग नीति वो लेके आने वाले हैं। मतलब क्या है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेके जो मानदेय हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सब जो है कैसे आपको मिलने वाले, मैं आपको तो आज उनके लिए अच्छी इसमें खबर है ये है ना, जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर यही है कि प्रदेश में जो है न सिर्फ चयन को लेकर बल्कि जो मानदेय व अन्य काम को लेकर भी यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग नीति है वो इसमें लाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा करने के लिए, यहाँ पे जो है मानदेय पूरा मिलना चाहिए, साथ में EPF और इसमें जो है ये इसमें ESI भी इसमें कटौती की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, साथ में जो यहाँ पर जो बताया गया इसमें समूह ग और घ के जो पदों के लिए जो है मेरिट से बिना साक्षात्कार के इसमें जो है वो कराया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू के नाम पर रुपए लेते हैं आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कंपनी के द्वारा अगर काम कर रहे हैं यहाँ पर लोग तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। सरकारी विभाग में जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे जो है उनके लिए जो अच्छी खुशखबरी है यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में जो है अभी इसमें वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है यहाँ पर जो है। साथ में आपको याद होगा है ना कल और परसों का अखबार में दिया हुआ था यहाँ पर जो संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को जो शोषण से बचाने के लिए शीघ्र ही नीति बनेगी, तो मैंने आपको तो बोला था ना आज के लगभग जो है सभी समाचार पत्रों में ये जो खबर आ चुकी है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए यहाँ पर जो है इस वाले अखबार में यहाँ पर आया था यहाँ पर जो है ये, और नीचे यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसको लेकर जो है नीति बनने जा रही है। साथ में जो आपने देखा है यहाँ पर जो एडॉक पर जो है ये नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ भर्ती इसमें चल रही है, PGT हो गया, TGT हो गया, ये PRT वगैरह, तो यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो बताया गया इसमें लैब असिस्टेंट भर्ती बायोलॉजी लैब और केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो ये वैकेंसी इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कल ही दे दिया था, जिसकी अंतिम तिथि की बात करेंगे लास्ट डेट आपका 2 अप्रैल 2024 अभी डेट चल रही है। फॉर्म आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भरना, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म आप ये जो है वो भर दीजिएगा। तो ये वाली जो भर्ती निकाली गई, तो बहुत सके कहाँ निकाली गई है, यहाँ पे एडॉक पे जो है भर्ती निकाली संविदा पर, यहाँ पे देख टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है ना APS के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। ये थंबनेल में आपने देखा होगा यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो स्वीपर की है ना, और साथ में जो चौकीदार की वैकेंसी जो निकाली गई है वो कहाँ से निकाली गई, तो यहाँ पर ऊपर आएंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब कि एक तरीके से दिल्ली सबॉर्डिनेट बोर्ड की तरफ से, मतलब आप सभी जानते हैं DSSSB दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जा चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर दीजिए। सरकारी नौकरी यहाँ पर जो 18 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है ना, जब तक ये खत्म, मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ, यहाँ पर जो ये बुक बाइंडर की हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी हैं, चौकीदार की हैं और ड्राइवर स्टाफ की, यहाँ पर वैकेंसी कुल मिला के जो है आपको 40 पदों पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है, ठीक है। जिसकी अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 18 अप्रैल 2024 है, इसके अंदर फॉर्म भरिएगा गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। साथ आपको याद होगा यहाँ पर जो है ये इसका जो है जालौन और जो इसके अंदर भर्ती जो आई थी एडिट कॉलेज के अंतर्गत यहाँ स्वीपर की वैकेंसी थी, यहाँ पे देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्वीपर की हैं, और यहाँ पे जो है ये वॉचमैन स्वीपर की वैकेंसी है ये, और नीचे आएंगे यहाँ पर जो है ये इटावा से प्यून भर्ती भी निकाली जा चुकी थी, ठीक है। इटावा से जो है इंटरमीडिएट इसकी योग्यता थी है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है इसकी लिस्ट यहाँ पर जो है ये इसकी अभी डेट चल रही है यहाँ पर जो 30 मार्च 2024 तक है, और जिसकी डेट खत्म हो चुकी है उसका लिस्ट यहाँ पर जो है ये वो लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो
इसकी डेट चल रही है अभी, वो उसको अभी उसकी लिस्ट आ जाएगी 21 मार्च 2024 तक। इसके अंदर फॉर्म भरे जा चुके हैं फोर्थ क्लास की वैकेंसी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ 440 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। किसकी थी ये? फोर्थ क्लास, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली से, ठीक है। तो इसकी मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में जो है आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो नाम है ये क्रम संख्या दे रखी है, पिता का नाम दे रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है ये यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ठीक है। पूरा लिस्ट यहाँ पे जो है डला हुआ है ये, है ना, यहाँ पे देख लीजिए। उसका जो लिस्ट था, आपने फॉर्म अगर भरा होगा तो ये लिस्ट आपके पास जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो पूरा लिस्ट यहाँ पे डला हुआ है ये, एक बार को यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है मनोज प्रजापति हो गए, दीपक कुमार हो गए, ठीक है। ये पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये। और आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो है ये बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। पुलिस भर्ती भी आ चुकी है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, उसके अंदर ग्रुप डी की नौकरी है, ये फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरा मैं लिस्ट आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बारी बारी से यहाँ पर जो अगर अपना फॉर्म भरा होगा तो आपका नाम होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नाम इसमें ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत लंबा लिस्ट पड़ा हुआ, 440 पदों पर वैकेंसी है कम से कम जो है, पूरा लिस्ट पड़ा हुआ, पूरा लिस्ट इस वीडियो में दिखाना मुमकिन नहीं है। साथ में आपको याद होगा यहाँ पर जो है ये थंबनेल में लिखा हुआ था न्यायाधिकरण के अंतर्गत भर्ती आ चुकी कनिष्ठ सहायक की और सहायक लेखाकार की, लेवल थर्ड लेवल और फाइव लेवल के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी उम्र यहाँ पर जो 18 साल से लेकर जो है ये सॉरी 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में अगर हो तो ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। बीच में जिसकी तारीख यहाँ पे दे रखी है 29, ये इंटरव्यू की डेट है 29 अप्रैल 2024। और यहाँ पे जो है बात करें यहाँ पे कमेंट की ओर, सर मैंने जो है नेट वाले से पूछा था कि अभी तक जो है वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आ चुकी है भाई, मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई भी करा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आ चुकी है भाई, है ना, दूसरे उस पर चले जाइएगा। साथ में जो है फरकाबाद से भी जो वैकेंसी वो निकलने वाली, एक बार ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है ना, एडेड कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये, उसके बावजूद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आप नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पापा जो हैं प्योन हैं 1996 से हैं, तो अच्छी बात है भाई, है ना, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये उनके यहाँ पर आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी, आप उनसे बाबू बनेंगे, अपने पापा से बड़े होकर अधिकारी बनेंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पर इसमें जो संस्कृत विद्यालय में चपरासी और बड़े बाबू को भर्ती जो है हमें जरूर बताइए, आएगी तो जरूर बताऊंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी बताई जाती है। बात करें यहाँ पे जो संविदा भर्ती को लेकर जो है बाबू का भर्ती में क्या होगा सर, डिग्री कॉलेज संविदा भर्ती निकाली जाएंगी पर अभी नहीं आएंगी, अभी आप सोच रहे तुरंत आ जाएंगी भाई, पहले परमानेंट वाली जो भर्तियाँ चल रही हैं पहले वो कंप्लीट होंगी उसके बाद आएंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ सर आगरा में जो स्कूल के बारे में बताइएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें जो है गुरुमुख दास इंटर कॉलेज, ये शायद एडिड कॉलेज नहीं है, ये जो मनोटी कॉलेज है अल्पसंख्यक स्कूल में है ये, यहाँ पर जो है बिना पैट के भर्ती करा सकते हैं ये, ठीक है। अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़, पर जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा, सरकार परमिशन नहीं देगा, तब तक भर्ती नहीं करा सकते ये भी, क्योंकि सरकार सैलरी देगी ना ये तो भर्ती कर देंगे। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस वो, थैंक यू वेरी मच।